हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश कथुरिया, योर व्लॉगर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपको आज चैनल पे एक फर्क दिख रहा होगा कि चैनल का जो नेम है वो चेंज करा है बट सर्च बार में नहीं आया। अभी एक लास्ट ट्राई है, अगर अब आ जाता है ठीक है, तो नहीं तो मैंने एक चीज करके देखी है, जैसे मैं यूट्यूब पर लिख रहा हूँ आकाश कथुरिया तो उसी टाइम सबसे पहले मेरा चैनल आ रहा है, जबकि मैंने इस नेम को कहीं भी चैनल में यूज नहीं करा है। तो अब जो हमने नेम करा है लाइफ ऑफ आकाश, अगर वो सर्च बार में आ जाता है दो चार दिन में तो ठीक है, नहीं तो फिर चैनल का नेम मुझे लग रहा है कि इस बार आकाश कथुरिया ही करना होगा। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि इस नेम से और भी चैनल है, उनमें कोई कंटेंट नहीं है, उन्होंने औरों के गाने कॉपी करके डाले हुए चैनल में, बट बना हुआ है चैनल, तो देखते हैं अगर आ गया लाइफ ऑफ आकाश सर्च में तो ठीक है, नहीं तो फिर आकाश कथुरिया कर लेंगे। वैसे मैं सारी ये व्लॉग करता हूँ डेली, अपनी लाइफ आपसे शेयर करता हूँ, तो दोनों ही नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो लाइफ ऑफ आकाश हो जाए या आकाश कथुरिया, जैसा भी होगा जो भी होगा आगे देख लेंगे। फिलहाल आप आज का व्लॉग एंजॉय करो, मुझे सारी क्लिप्स मिल गई, मैंने आपके लिए एडिट कर दिया, एंजॉय करो। अभी मैं मिलता हूँ आपको लास्ट में। आज हम कटरा से कर रहे हैं चेकआउट। लास्ट व्लॉग में आपने देखा पूरी चढ़ाई उतराई, माता के दर्शन। अब हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। अब भी सामान गाड़ी में पैक कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने आए हैं बाहर हन्नु, वासु और मैं, फिर आएंगे मम्मी पापा, दीपिका और मानव। आज हम रात तक का है कि हाँ 10 से 12 घंटे लगते हैं यहाँ से दिल्ली पहुँचने में, तो जो टाइम लगेगा सो लगेगा। अब थकान थोड़ी हट गई है, कल बहुत थकान हो गई थी। अभी जो टाइम है वो ब्रेकफास्ट का नहीं, वैसे लंच का होने वाला है, बट हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है हमेशा की तरह। कटरा में मेरे फेवरेट हैं बन छोले, हमारे वहाँ मिलते हैं कुलचे छोले, बट यहाँ पे मिलते हैं बन छोले, ये देखो। तो यहाँ पर ये वाला बंद होता है, हमारे वहाँ कुलचे मिलते हैं, बट ये बन छोले मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी। मानो क्या बना है आज। तो अब निकल रहे हैं हम दिल्ली के लिए, टाइम हो गया है 5:45 शाम के, तो लेट तो काफ़ी हो गया क्योंकि शॉपिंग वगैरह करी है। देखो सारा सामान सेट करा है, थोड़ा सा प्रसाद लिया घर के लिए। देवी से आते हुए रास्ता बहुत अच्छा था, आप लोगों ने देखा बहुत ही बढ़िया रास्ता है, और मतलब और रूट पे इतना कुछ था नहीं, हम ज़्यादा कहीं रुके नहीं, और अभी लगभग हमारे 250-250 किलोमीटर हुए हैं, रात हो चुकी है। तो अब हमने सोचा है कि हम यहाँ तक जब आए हैं तो लंगर बहुत याद आ रहा था अमृतसर गोल्डन टेम्पल साहिब का, तो हम चल रहे हैं गोल्डन टेम्पल और रात वहीं रुकेंगे, सुबह माथा टेकेंगे या रात को पहले चल के वहाँ रूम लेंगे, देखते हैं कहाँ रहना है, और फिर वहाँ से माथा टेक के हम कल निकलेंगे दिल्ली के लिए। अगर देखते हैं काफ़ी चीज़ें याद आती जा रही है, और भी कोई जगह याद हुई तो वहाँ भी होते हुए चलेंगे। मेंढक वाला झूला नहीं होता, इसमें पूरा तूफान ले आया ये तो। अरे और सामने देखो पूरे में आग लगी हुई है, वो उस साइड भी, ये देखो कितनी सारी, और वहाँ पीछे भी पूरे में आग ही आग लगी हुई है, यहाँ पे है बहुत ज़्यादा। रात है तो इतना ज़्यादा मतलब नज़र नहीं आ रहा फ़ोन में, लेकिन बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। बहुत रश हो रहा है। गोल्डन टेम्पल हम पहुंच गए, गोल्डन टेम्पल के अंदर ही यहाँ सराय बनी हुई है माता गंगा जी निवास, तो यहाँ पर हमने रूम ले लिया है। वो देखो सामने गोल्डन टेम्पल, तो अभी चलेंगे लंगर करने अंदर। अभी हम जा रहे थे गाड़ी से सामान लेने और वहाँ सामने चाप दिख गई, बहुत दिन हो गए स्पाइसी चीज़ खाए हुए, तो थोड़ा बहुत खा के फिर चल रहे हैं, सारे गाड़ी पार्किंग के पास है। ये मशीन है यहाँ पर, जितना भी यहाँ पर गंद पनिया कूड़ा वगैरह है चलती है और सारा कूड़ा उसके अंदर आ जाता है, मतलब जो भी कूड़ा होगा उसको मशीन एकदम उठाती है और एकदम सफाई हो जाती है। एक से एक टेक्निक है यहाँ पर देखने के लिए। अभी चल रहे हैं हम पहले अंदर माथा टेकने, रात को ही सुबह बहुत गर्मी होने वाली है, तो इस टाइम अभी हम आराम से माथा टेक लेंगे और फिर चल के सोएंगे। कुछ खाने के लिए इतना कुछ अभी खुला नहीं है, बट देखते हैं लंगर ही खाएंगे आज। मानव कहाँ जा रहे हैं? क्या करने? फिश देखने, माथा टेकने। ठीक है चलो फिर आओ। अभी 3:15 हो रहे हैं और हम माथा टेक कर आए हैं, और देखो यहाँ पे नेस कैफे पूरी रात खुला हुआ है, उधर कोल्ड ड्रिंक मिलती है सामने 5 रुपए की बॉटल, ओरिजिनल जो पेप्सी होती है कोका कोला होती है वो मिलती है 5 रुपए की। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ जल की सेवा है पूरी रात, इधर पूरी रात लंगर सेवा है, जब मर्जी यहाँ पे लंगर कर सकते हो। ये सारे बॉटल्स में लगाए हुए हैं, ये मम्मी 2 लीटर वाली बॉटल होती है ना, उनमें लगाए हैं पौधे।
एकदम बढ़िया बना दिया। कितनी कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर देखा लोग पीते हैं 5 रुपए में। हमने माथा टेक लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली और अब चल रहे हैं रूम में सोने के लिए। सबसे पहले आप नज़ारा देखो, यहाँ कितनी भीड़ है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, एक तरीके से आंधी चल रही है, धूप बिल्कुल नहीं है, बादल हैं, बहुत अच्छा लवली वेदर, बहुत ही ज़बरदस्त। हमें रात को ये लग रहा था सुबह बहुत धूप होगी और घूमा नहीं जाएगा, बट बहुत अच्छा मौसम है। मम्मी पापा ब्रेकफास्ट कर गए, हम चारों अब करने जा रहे हैं यहाँ के फेवरेट हमारे कुलवंत के कुलचे। ये रस्सी से कुलचा नीचे आया, वो देखो वापिस गया। हन्नू को तुमने इतना अच्छा दे दिया, हन्नू को इतना अच्छा क्यों दिया? डॉगी तो वफादार होते हैं यार, तुम मेरे को ही दे देते कुत्ते वाली, कुत्ता बनने के लिए रेडी। अपनी निकालना, अपनी निकालो ना, अपनी देखना शेर की निकालने वाले। चली चली मेरे चली दो में काम करके अपनी वासु को लेके आ गया। नहीं ऐसी है, वासु को अच्छी लगती है, कम खा गया है, पापड़ी हाथ में रह गई है उसके। भाई अभी मैं आया हूँ जलियावाले बाग के साइड, ये है जलियावाला बाग। एक्चुअली आपको पता होगा, याद होगा, एक सब्सक्राइबर थे मेरे पंजाब से रिशु, तो वो अभी आ रहे हैं मिलने के लिए। गुरुद्वारे की साइड जो ये पूरा रोड है, ये बहुत ही प्यारा लगता है। देखो वो है सामने गोल्डन टेम्पल, इधर है जलियावाला बाग और ये पूरा ही रोड बहुत ही प्यारा बना हुआ है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था रिशु भाई की, आ गए और अब जलियावाला बाग आए हैं हम, क्योंकि लास्ट भी जब मैं आया था तो आप लोगों को जलियावाला बाग नहीं दिखाया था। आज इनके कारण जलियावाला बाग भी घूम रहे हैं, फिर निकलना है हमने, देर हो रही है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों को दिखा देता हूँ। मुझे भी देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ पर लिखा है लोगों पर गोली यहाँ से चलाई गई थी, तो ये सारा उस अटैक के बारे में बताया हुआ है जो यहाँ पर अटैक किया गया था। और ये है अमर जवान ज्योति, जैसे कि हमारे इंडिया गेट में है। ये है शहीदी कुआं, ये है कुएं का अंदर का, और ये सामने वाली वॉल है दीवार जिसपे गोलियों के निशान है पूरे, जहाँ गोलियाँ लगी थी। ये सारे निशान इधर जो वाइट वाले बनाए हैं, ये पूरे ये होल्स हैं, ये गोलियों के निशान हैं बुलेट्स के। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं, पहले हम जाएंगे शायद तरन तारण गुरुद्वारा साहिब, और उसके बाद हो सकता है दरगाह जाएंगे जो नकोदर दरगाह है, मुझे पूरा नाम नहीं पता। तो पहले गाड़ी में चल रहे हैं, सब जा चुके हैं। गोल्डन टेम्पल से तरन तारण साहिब आने में हमें लगा है 1 घंटा तकरीबन, एक रोड बीच में बंद था तो दूसरी तरफ से घूम के आए हैं और अब चल रहे हैं अंदर गुरुद्वारे में। ये देखो यहाँ पे सामने गुरुद्वारा है। तरन तारण साहिब में हमने माथा टेक लिया और सरोवर में स्नान भी कर लिया, लंगर भी लंगर खाया, मानव स्वाद था, मज़ा आया, तो लंगर भी खा लिया है और अब चल रहे हैं गाड़ी में। बस अब हम जाएंगे सीधा घर, दिल्ली घर चले हम। हवाई जहाज में बैठ के जाने हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएगा, चल बैठ जा फिर। अच्छा तो हम जा रहे हैं गाड़ी में और मानव जा रहे हैं अपने इस हेलीकॉप्टर में, है ना। अभी एक ब्रेक लिया है पेट्रोल डलवाने के लिए और अभी खन्ना क्रॉस हुआ है। टोटल गाड़ी चल चुकी है 1450 किलोमीटर, सब्सक्राइबर हो गए हैं 10,180। तो जो लोग नए हो, वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और अब यहाँ पे आगे ब्रेक लेंगे कुछ खाने के लिए, अभी टाइम हो रहा है 11 से 11:30 के बीच, और चलो चलते हैं। तो गाइज हम पहुंच गए हैं सितारा रेस्टोरेंट, भी हमारा रह गया है दिल्ली लगभग 160 या 170 किलोमीटर। और मैं बाहर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वहाँ सॉन्ग चल रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। चल रहे हैं डिनर करने के लिए और टाइम हो रहा है अभी रात के 2 बज रहे हैं,
हमें घर पहुंचने में लगभग 4-4:30 हो जाएंगे शायद, कुछ कह नहीं सकते। मुझे नींद आ रही है, भूख बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा सा खाना पड़ेगा क्योंकि नींद भी हट जाएगी और फिर घर जाके रात को क्या खाएंगे 3-4 बजे, तो इसलिए खा कर चलते हैं। किलोमीटर का ये सफर बहुत ही अच्छा रहा, ये ट्रिप बहुत बढ़िया था। आई होप आपने भी एंजॉय करा होगा। क्वारंटीन में वैसे भी टाइम इतने मुश्किल पास हो रहे हैं और हालात बुरे होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है क्वारंटीन, तो मैं ऐसे आपके लिए ट्रिप बढ़िया बढ़िया लाता रहूंगा। बस आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, कमेंट करके अपना प्यार दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिन लोगों को टाइम पास नहीं हो रहा वो भी ये देखकर हमारे थ्रू टाइम पास कर सके। और गाइस चैनल सर्च बार में लाना है तो प्लीज जितनी जल्दी हो सकता है इस पे हमें चाहिए सब्सक्राइबर, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो लास्ट वाले ब्लॉग चेकआउट कर लेना, आपको अच्छे लगेंगे। और बेल आइकन ऑल पे करके प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां पर ये सारी पिक्स यहाँ की भी शेयर करूंगा और वैसे भी पिक्स आती रहती है। अब नेक्स्ट हमारा होगा डेली ब्लॉग में से, जो यहाँ पे फैमिली ब्लॉग डेली चल रहे थे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, उसकी तैयारी करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।